दिल्ली नगर निगम में मेयर शैली ओबेरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली नगर निगम के शिक्षक विभाग में टीचरों के ट्रांसफर पाए को ऑनलाइन किए जाने की घोषणा की है। मेयर ने कहा है कि इसके बाद अलग अलग विभागों में भी ट्रांसफर की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी ताकि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता आए। इस कॉन्फ्रेंस में नेता सदन मुकेश गोयल के साथ डिप्टी मेयर आर्य मोहम्मद इकबाल भी मौजूद रहे। मेयर शैली ओबेरॉय ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में निगम में कुछ भी नहीं किया है। निगम को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर छोड़ दिया। भाजपा कार्यकाल के दौरान अधिकारियों से उगाही की गई है, साथ ही ट्रांसफर के नाम पर कर्मचारियों से रिश्वत लिए गए हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की निगम सरकार में सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा। दिल्ली नगर निगम में अब कर्मचारियों का ट्रांसफर ऑनलाइन मोड में होगा। इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। इसकी शुरुआत शिक्षा विभाग से की गई है। वहीं शिक्षा विभाग में करीब 3000 शिक्षकों के ट्रांसफर में सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ट्रांसफर संबंधित कार्यों के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसके चेयरमैन डायरेक्टर पर्सनल होंगे। इसके साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईटी सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंजीनियरिंग सेल को से बनाया गया है। ऑनलाइन मिले आवेदन का यह कमेटी स्क्रीनिंग करेगी और बनाए गए प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर प्रक्रिया दिव्यांगत, चिकित्सीय आश्रितों की आश्रमता आदि आधार पर किया जाएगा। मेयर ने कहा है कि कोई भी अधिकारी अगर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे मांगता है तो मुझे शिकायत करें, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश गोयल ने कहा कि आने वाले समय में अन्य डिपार्टमेंट में भी ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अली मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि इस प्रक्रिया से पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी आएगी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम में भी भ्रष्टाचार मुक्त होगा। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ करप्शन ही करप्शन, और पूरे नगर निगम को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड करप्टेड डिपार्टमेंट की तरह छोड़ दिया। और क्या क्या हुआ उस दौरान? आम जनता से उगवाई, अफसरों से उगवाई, कर्मचारियों से उगवाई, और रही कसर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, जब किसी भी कर्मचारी की ट्रांसफर की बात आती है तो रिश्वत के नाम पर लाखों रुपए कर्मचारियों से ठगे जाते हैं, लाखों रुपए की धांधली होती है। पर अब नगर निगम में आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार अब आ चुकी है। अब नगर निगम में कुछ भी होगा तो वो हर चीज़ ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। अब कुछ ही दिनों पहले ये मुझे मालूम हुआ जब नगर निगम में हमारी सरकार बनी कि अब यूनिफिकेशन के बाद अब 100% ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी आ चुकी है, जो पहले कभी भी नहीं थी, जिसमें ऑनलाइन मोड से जिस कर्मचारी को ट्रांसफर करवाना है उनसे एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं, उनसे ऑनलाइन अप्लाई किया गया है। और ये जो ऑनलाइन मोड है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, ऑथेंटिक है, और पूरे फेयर तरीके से इसमें ट्रांसफर होगा। और इसके लिए नगर निगम ने 4 लोगों की कमेटी गठन की, जिसके जो चेयरमैन है वो डायरेक्टर पर्सनल है, साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईटी सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंजीनियरिंग सेल। तो ये एक इंटर डिपार्टमेंटल एक कमेटी का गठन हुआ। जब भी किसी कर्मचारी की एप्लीकेशन ट्रांसफर के लिए एमसीडी में ऑनलाइन माध्यम से आती है या आई है, उसकी प्रॉपर ये कमेटी स्क्रीनिंग करती है और अलग क्राइटेरिया एक सेट किया गया है। जो कमेटी उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए मेडिकल इश्यूज हैं, तीसरा फिर उन कर्मचारियों को प्रेफरेंस दी गई है जिनके स्पाउस या डिपेंडेंट को कोई डिसेबिलिटी है, उसके बाद उस कर्मचारी को प्रेफरेंस दी गई है जिसका एड्रेस चेंज हो जाता है शादी के रीजन की वजह से। तो ये जो एक ऑनलाइन एल्गोरिदम जो पूरा डेवलप किया गया है, या इस पूरे ऑनलाइन एल्गोरिदम को जो एग्जीक्यूट किया गया है, ये इस चीज का अच्छे से ध्यान रखा गया है कि किसी भी स्कूल में ना तो एक्सेस टीचर्स हो और ना ही टीचर्स की शॉर्टेज हो, और साथ ही
स्कूल के फंक्शनिंग को भी पूरे स्मूथ तरीके से चलाया गया। तो ये पूरा जो ऑनलाइन सिस्टम है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट किया गया है और अब 3000 के आसपास जो टीचर्स और प्रिंसिपल की हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशंस आई हैं और प्रेफरेंस के ध्यान रखते हुए इन सब का जो है ट्रांसफर अब होगा। हम उस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे और एम्प्लॉय की प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखा जाएगा और वैकेंसी को भी ध्यान में रखा जाएगा और साथ ही पूरे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है एमसीडी का वो भी हैम्पर ना हो। तो बस हम इस मीडियम के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं जो पहली सरकारों में जो ट्रांसफर पॉलिसी को पूरी तरह से पैसों की धांधलेबाजी चली अब वैसा आम आदमी पार्टी की सरकार में बिल्कुल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार में 100% ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा और आज से ही और अभी से ही और आने वाले सालों में भी कोई भी कर्मचारी, मैं इस मीडियम के माध्यम से पूरे एमसीडी के कर्मचारियों से अपील करती हूं कि अगर ट्रांसफर के नाम पे कोई भी अफसर या पूरा एमसीडी का डिपार्टमेंट अगर आपसे रिश्वत मांगता है, सिफारिश के लिए अपील करता है, कोई भी अगर आपको ऐसे फंसाने की कोशिश करता है तो आप हमारे पास आइए, मेरे पास आइए, ऐसे अफसर पर पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा। ट्रांसफर करा लाते थे अब उस पर रोक लगेगी और जरूरतमंद जो व्यक्ति होगा चाहे जैसा कि बताया डिसेबल है या जो और जिसके शादी हो गई है और घर से दूर है इस तरह की या किसी के परिवार में किसी सदस्य की तबीयत ज़्यादा खराब है बीमार है उसकी देखभाल करनी है उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। और निश्चित तौर पे ये हमारे कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और मैं समझता हूँ इससे हमारे निगम के लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। गुड इवनिंग साथियों, एक नई सरकार, एक नई सोच और एक नई नगर निगम आप लोग देख रहे हैं। जैसे कि महापौर महोदया ने आपको पूरा ब्रीफली बता दिया कि आज खास तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिस तरीके की एक ट्रांसपेरेंसी को हमने रखा जो एक चढ़ते ज़माने को देखते हुए डेवलप ज़माने को देखते हुए एक ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से जितने ट्रांसफर पोस्टिंग्स होंगी और जितनी एप्लीकेशंस होंगी और उसमें देखेंगे कि जिनके जेन्युइन रीजंस हैं और उन कैटेगरीज के हिसाब से वो ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी उसकी इम्पोर्टेंस को देखा जाएगा। और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में सब कुछ मुमकिन है जो इंसान चाहता है, जो आम जनता चाहती है। और इससे जितने हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर है कि अब उनको चाहे किसी भी नेता के पास किसी भी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, उनको अपनी जेब से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं ट्रांसफर्स के अंदर ही किस तरीके का भ्रष्टाचार होता था और आपने पहले भी सुना होगा और किस तरीके से नेताओं के दरवाज़ों पर दिन भर दिन आना, उनसे फ़ोन कराना और बार बार उनके पास जाना। तो इससे ये नहीं है कि हमारे कर्मचारी भी और जो जितने अधिकारी हैं वो भी खुश हैं और जो ट्रांसफर चाहते हैं वो भी खुश हैं कि आप ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आइए, उसके माध्यम से आएं और उसकी आपकी इम्पोर्टेंस को देखा जाएगा, आपकी नीड को देखा जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।